हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव धवन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं उन वर्ब्स की जो बच्चों को बहुत परेशान करती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ वर्ब्स की जिनके जस्ट बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना बिल्कुल कंपलसरी है, और दिक्कत ये है कि उन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई जरूरत किसी को महसूस नहीं होती और वो एरर बन के सामने आ जाती है, और इसी को याद करना ही एक बहुत बड़ी बात है कि आपको इतने सारे वर्ड्स याद हो जाएं जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। सो दोस्तों, ये है वो वर्ब्स जिनके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है। अब दोस्तों, स्टोरी बताने से पहले, स्टोरी बहुत शानदार है दोस्तों, फटाफट ये सारी की सारी वर्ब्स आपको याद हो जाएंगी। स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस आता कैसे। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू शुड अवेल दिस ऑफर। अवेल का मतलब होता है दोस्तों लाभ उठाना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें इस ऑफर का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, पढ़ने में लाइन एकदम सही लग रही है, लेकिन अब यहां पर इस जगह पर एक तो आपको चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वो भी आएगा यू के अकॉर्डिंग, यानी योर सेल्फ। प्लस योर सेल्फ तो आना ही था, वो तो चलो। अब अवेल एक ऐसा वर्ड है जिसको अपने रिफ्लेक्सिव के बाद एक ऑफ भी चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव तो आना ही है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस ऑफर, मतलब जो मैंने हिंदी बोली कि तुम्हें इस ऑफर का लाभ उठाना चाहिए, उसकी सही इंग्लिश क्या है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस ऑफर। एक एग्जाम्पल और देता हूं दोस्तों, यू विल हैव टू अप्लाई टू दिस टास्क होल हार्टेडली, यानी तुम्हें दिल से इस टास्क में जो है लगना पड़ेगा। तो अब यहां भी दोस्तों, अप्लाई के बाद आपको योर सेल्फ लगाना पड़ेगा। You will have to apply yourself to this task wholeheartedly. दोस्तों, reconcile का मतलब होता है समझौता करना, यानी उस लड़की ने समझौता कर लिया है अपने ससुराल वालों की डिमांड्स के सामने, ठीक है। अब यहां पे पढ़ने में लाइन बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन she के अकॉर्डिंग हमें reconcile के बाद herself चाहिए। She has reconciled herself to the demands of her in-laws. अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, आई प्राइड ऑन बींग एबल टू क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी मुझे गर्व है कि मैं काबिल हूं, बींग एबल भी काबिल होने पर कि मैंने क्रैक कर दिया एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में। पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है फ्रेंड्स, पर दिक्कत क्या है, प्राइड भी वो वर्ब है जिसको अपने जस्ट बाद क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, तो यहां में लगाना पड़ेगा आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ। So, दोस्तों, आई होप कि आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि इन वर्ब्स के बाद किस तरह से आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, और आपको वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा, और इस वजह से इन वर्ब्स को आपको याद करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल वो मेरा एक स्टूडेंट सुनाने वाला है आपको, बहुत ही बढ़िया स्टोरी बनाई है उसने, इंजॉय करें स्टोरीज को, आप बहुत हंसेंगे और हमेशा याद रहेगी ये स्टोरी। वेल डन नरेंद्र। दोस्तों, वो वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, क्योंकि वर्डों पे जाना है अपने, जो मैं बोलूंगा ना उस वो वर्ड्स ही इसकी स्टोरी है, और इसी के अंदर आ रहे हैं वो सारे। तो उसमें क्या है कि कोई आदमी है और कपल है, मान लो उसके काफी टाइम हो गया, 15-20 साल हो गए, उनके कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत जगह पता किया कि कोई अडॉप्ट कर ले अपने बच्चा, तो सारी स्टोरी यहां से शुरू हुई अडॉप्ट वर्ड से, तो अडॉप्ट से सारी स्टोरी बनी है, तो अडॉप्ट माइंड में आ गया जैसे ही। तो उन्होंने क्या किया कि कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं वो, तो उन्होंने बहुत पता किया, तो उन्होंने किसी ने बताया कि हाँ भाई वो कोई अनाथालय है, वहां पे बच्चे मिलते हैं। तो उसमें क्या किया उन्होंने, और उनको पता भी नहीं था कि कहाँ पे है, तो उन्होंने जैसे जैसे किया उसका एड्रेस पता किया, दूसरा वर्ड एड्रेस। अब उन्होंने वहां क्या जाके देखा, वहां तो जो लाइन लगी हुई है बच्चे लेने वालों की,
तो वो तो बहुत ही बिजी थे वो जो बच्चे दे रहे थे। तो तीसरा वर्ड अपना बिजी। अब उन्होंने कहा कि भाई हमें एक बच्चा गोद लेना है। वो कहते हैं भाई बच्चा तो गोद मिलेगा, परंतु जो हाल ही में हमारा प्रेजेंट का मतलब हाल ही में जो हमारा रूल है वो बता देते हैं आपको। तो वो प्रेजेंट है वर्ड आ गया, और इंट्रोड्यूस मतलब उन्होंने कहा कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो हमारा हाल ही का रूल है। तो इंट्रोड्यूस भी आ गया। अब उन्होंने कहा कि रूल क्या है आपका? वो कहते हैं रूल हमारा ये है कि हम पहले फीस पूरी जमा करवा लेते हैं, बच्चा चाहे आपको बाद में देंगे पहले। तो उन्होंने क्या किया, और आपको एक बात और है, सीधा भी नहीं बच्चा मिलेगा, आपको पहले फार्म भरना पड़ेगा, तो अप्लाई करने पड़ेगा। अब जो आपको मिलेगा वो लेना पड़ेगा, ये बात भी नहीं है कि आपको चाहिए हमारे को नहीं चाहिए भाई। तो वो उन्होंने क्या किया, तो फार्म भरना पड़ेगा। अब उन्होंने फार्म भर दिया बच्चे का, 1-1.5 लाख उन्होंने पहले जमा भी करवा दिया। अब उन्होंने कहा कि हम हमारी फार्म भर दिया, अब 4-5 बंदों की लॉटरी लगाएंगे, जो उसमें नाम लिखा होगा हमारी जो नाथल है उसमें जो बच्चे हैं, आपको जो बच्चे की नाम वाली पर्ची आ गई वो बच्चा आपको लेना पड़ेगा, आप अपनी पसंद से नहीं ले सकते। तो वो उन्होंने कहा कि चलो भी ठीक है। वो आदमी भी बहुत अमीर था, पैसा बहुत था, 1-1.5 लाख उसकी सैलरी थी मंथली। अब वो अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ था। वो ये वर्ड है ना जो पोस्ट वाले, ये आएंगे आगे स्टोरी में, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो रिजाइन में आएंगे वर्ड, तो वो रिजाइन दे देगा बाद में आदमी, तो इसलिए जॉब जोड़ी है इसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ भाई वो कहते शर्त मंजूर है, तो उन्होंने मियां बीबी ने सलाह कर ली कि हाँ ऐसे करना, चलो ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसको आदमी को बहुत ही अपने आप पे गर्व था कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो प्राइड वर्ड आ गया अपने आप। प्राइड का मतलब होता है गर्व, मान। तो उन्होंने क्या किया, पर्ची निकाली आदमी ने। अब उसमें से पर्ची में से क्या हुआ, अब स्टोरी इंटरेस्टिंग भी बहुत, आगे क्या होता है। तो उसने क्या किया कि पर्ची निकाली ना, तो उसमें से एक आध बच्चा निकला, उसका नाम था जो, तो उस बच्चे की एक आंख नहीं थी और एक टांग भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये पर्ची निकल गई, पैसे भी जमा करवा दिए, 1-1.5 लाख का काम था, अब 5-7 हजार होता तो छोड़ के चले जाते। अब उन्होंने क्या किया भाई, मियां बीबी ने सलाह की कि क्या करें इसका, उसकी पत्नी तो कहती है इसको अवॉइड करो, अपने और ले लेंगे कहीं, 1-1.5 लाख की बात है, 1 महीने की बात, सैलरी 1 महीने की है, तो कोई बात नहीं। तो अवॉइड वर्ड आ गया इसमें। उसकी वाइफ ने कहा कि अवॉइड कर दो इसको, कोई बात नहीं, अपने और ले लेंगे। तो उसने क्या किया, नहीं भाई मेरे को 1.5 लाख सैलरी है, मैं ऐसे थोड़े जान दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो साथ वाले में जिसकी पर्ची निकली थी उसको 2 बच्चे निकल गए, वो भी बढ़िया गोरे चिट्टे, और वो भी मतलब बढ़िया बच्चे निकले उसको। अब उसने क्या किया कि यार ये तो पंगा ही हो गया, अपने को तो खराब क्वालिटी निकल गई, इसको बढ़िया क्वालिटी निकल गई। तो उसने क्या किया, उसके मिनते करने लग गया वो उसकी कि भाई एडजस्ट कर ले, तालमेल बिठा ले मेरे से, तो वो बच्चा मेरे को दे दे, तेरे पास तो 2 है ऑलरेडी, मेरे को 1 दे, क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहता चलो, उसने क्या किया, वो कहता उसे एडजस्ट कर ले मेरे से और तालमेल बिठा ले मेरे से, तालमेल आ गया इसमें। अब जब उसने पर्ची नहीं खरीदी ना, तो उसको बहुत ही फील हुआ कि यार मेरे साथ तो ये चीटिंग होगी। तो ये वैसे वर्ड तो पहले लिखे थे पर वो मिस हो गया, तो उसको हर्ट हुआ ये बात कि मेरे साथ तो क्या चीटिंग होगी। तो चीट भी आ गया और हर्ट भी आ गया। अब उसने उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की कि तालमेल बिठा ले मेरे से, मेरे के एडजस्ट कर ले। तो एग्जर्ट का मतलब ये होता है जोर लगाना किसी बात के ऊपर। तो उसने क्या किया, उसने और जो बच्चा वो लेना चाहता था दूसरे के साथ में, जो उसके साथ बच्चा था उसका नाम था रिफ्लेक्सिव प्रणाम। तो उसने क्या किया, वो कहता मेरे को ये रिफ्लेक्सिव प्रणाम दे दे। तो वो कहता भी मैं नहीं दूंगा, मेरे को तो मेरी किस्मत है, ये तेरी किस्मत है। तो वो कहता भी, और वो जो अनाथालय वाले थे वो भी समझा रहे हैं कि भाई जो आपके पास अब अवेलेबल है उसी से एंजॉय करो आप। तो अवेलेबल भी आ गया, एंजॉय भी आ गया, ठीक है। अब वो कहता मैं नहीं ऐसे मानूंगा, मैं तो क्या जंतर मंतर में जाऊंगा, धरना दूंगा, क्यों मेरे साथ धोखा होगा, मेरे साथ 1.5 लाख रुपए भी भरवा लिया और मेरे को बच्चे भी काढ़ा दे दिया अपने। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, दंडवत जाना, या साष्टांग बोलते हैं जिसको। तो प्रोस्ट्रेट का वो कहता मैं ऐसे भी नहीं जाऊंगा, मैं दंडवत प्रणाम करते हुए जाऊंगा, लोगों को दिखे भी कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है। तो वो कहता है चाहे मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन क्यों भी देना पड़े। सही
तो वो कहता है मैं जंतर मंतर पे धरना दूंगा और बच्चा लेके रहूंगा, उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बच्चे का नाम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? आएगा ही आएगा, तो वो लेना चाहता है उसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा इसके साथ। तो वो वर्ड इसमें कुछ लेने की बात हो रही है, पॉजिटिव थिंग की बात हो रही है, तो इसमें क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब इस अपने को ये याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कि नहीं आएगा, ये भी सारा क्लियर हो गया इसके अंदर। तो बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं वहां पे, और कोई बहुत अच्छा बच्चा है ये, और ये उसको प्राइड है, तो प्राइड का ये सिनोनिम।